अस्सलाम वालेकुम आज हम बनाएंगे टेस्टी खुशबूदार और काफ़ी आसानी के साथ बन जाने वाला चिकन पुलाव ये चिकन पुलाव बहुत ही आसानी के साथ और बहुत कम टाइम में बन जाता है चिकन देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी होगा और साथ ही साथ में रॉइस इतने खिले खिले वो भी बहुत मज़े के तो चलिए देखते हैं कि ये मज़ेदार सा चिकन पुलाव कैसे बनता है इसके लिए आपको वीडियो को फुल देखना होगा और लास्ट तक देखना होगा लास्ट में ये आपको बताऊँगी कि रॉइस इतने खिले खिले और इतने टेस्टी कैसे बनेंगे रेसिपी अच्छी लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक तो चलिए जल्दी से फटाफट फड़ से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं तो चलिए बिस्मिल्ल हिरान इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में एक कप के करीब ऑयल ले लिया है और अब इसमें मैं चिकन को फ्राई करूँगी एक करके मैं सारे पीसीस को डालूँगी और नीचे से फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया था क्योंकि अगर हम ऑयल गर्म करके चिकन को ऐड करते तो चिकन ऑयल में जाते ही नीचे चिपक जाता और वो इतना अच्छा नहीं लगता चिकन को डालने के बाद नीचे से फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया था और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको तीन से चार मिनट तक फ्राई करेंगे चिकन को हम वैसे भी गिलाकर पुलाव में यूज़ कर सकते थे लेकिन फ्राई करने से चिकन का जो टेस्ट है वो पहले से दो गुना ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम फ्राई करके चिकन को इसका मज़ेदार और टेस्टी सा पुलाव बनाएंगे और साथ ही साथ चिकन को फ्राई करने से ये जूसी हो जाता है और इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है ठीक हो गया अब उसी में जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था दो मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज को ऐड करूंगी और इसको फ्राई करूंगी प्याज को मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है जब इसका कलर इस तरह से हो जाए तब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करूंगी जिसमें दो बादियान का फूल एक तेजपात एक चायफल सात से आठ लौंग दो छोटे दार के टुकड़े तीन से चार इलायची और दो टीस्पून जीरे के जिसमें काली मिर्चें भी शामिल हैं वो मैं खड़े मसाले इसमें ऐड करूँगी ये खड़े मसाले का टेस्ट लास्ट तक पुलाव में फ्लेवर और टेस्ट देगा अब मैं इसमें वन टी स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी एक कटी हुई टमाटर ऐड करूँगी और जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने तीन से चार मिनट तक पकाना है ताकि लहसुन की एक स्मेल जो होती है वो खत्म हो जाए तीन से चार हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इसमें ऐड करूँगी और अब हमने इसको पकाना है जब तक इसकी एक अच्छी अमेजिंग खुशबू और टेस्ट ना आना शुरू हो जाए कुछ स्पाइसी ऐड करूँगी जिसमें वन टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च वन फोर टी स्पून हल्दी पाउडर वन टी स्पून पीसी हुई लाल मिर्च और नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं हम थोड़ा कम नमक खाते हैं इसलिए मैंने दो टी स्पून नमक ऐड किए अब मसाले के अच्छे से हम भुनाई करेंगे भुनाई करने के बाद जो चिकन मैंने फ्राई करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर दूँगी ताकि मसाले की जो टेस्ट है और जो खुशबू है वो चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन भी हमारा टेस्टी और जूसी सा बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए सात से आठ मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस चिकन को पकाएंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि अगर मसाला नीचे लग रहा है तो वो नीचे ना लगे नहीं तो इसे पुलाव का टेस्ट ख़राब हो जाता है जब अच्छी तरह से चिकन गल जाए और मसाला की भुनाई बहुत अच्छे से हो जाए तब हमने इसके अंदर पानी डालना है पानी हमने चावलों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाला है मैंने लिए थे एक किलो सुपर बासमती कर्नल राइस और दो इसमें बाउल बन रहे थे यही जो मैंने पानी ऐड किया इसलिए मैंने पानी के तीन बाउल इसमें ऐड किए हैं अब मैं ढक्कन लगा दूंगी इसके ऊपर जब तक पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए पानी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है आप देख सकते हैं और इसी बाउल से मैंने पानी ऐड किया था ये मैंने तीन बाउल पानी के ऐड किए थे और डेढ़ बाउल चावलों का था चावलों को मैंने पंद्रह मिनट पहले ही अच्छे से धो के भिगो के रख दिए थे अब मैं इसको छनने की मदद से डालूंगी और चावलों को मैंने जिस पानी में भिगो के रखा था उसको मैंने अच्छे से छान के ही ऐड करना है क्योंकि अगर वो पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे तो चावल आपस में चिपक जाएंगे और जिन लोगों के चावल जुड़े जुड़े बनते हैं तो उन लोगों की यही वजह होती है कि चावल आपस में चिपके चिपके बनते हैं और जुड़े जुड़े होते हैं और जो देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते चाहे उनका टेस्ट हो या ना हो लेकिन देखने से चावलों की जो लुक होती है वो खिले खिले बने हों तो ही चावल अच्छे और अमेजिंग लगते हैं अब पानी डालने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसी पॉइंट पर हम नमक चेक कर सकते हैं पानी में अगर नमक ज़्यादा हो तो ही चावलों में नमक इक्वल आएगा और चावल अच्छे बनेंगे अब मैंने ढक्कन लगा दिया था और उसको तीन से चार मिनट बाद पानी तकरीबन हमारा ड्राई हो गया है देखें चावल हमारे बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे हमने इनको बहुत सॉफ़्ट हैंड से हलाना है ताकि चावल बिल्कुल भी ना टूटे और खिले खिले चावल बने ये देखिए अब इतना सा जब पानी रह जाए मतलब पानी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ तब हमने इसके ऊपर नाम लगाना है और इसके ऊपर खूबसूरती के लिए मैं थोड़ा सा हरा धनिया लगा दूंगी और हरा धनिया हमने नम लगाने से पहले ही इसके ऊपर लगाना है ताकि जो धनिया में कच्चा पन होता है वो नम के अंदर ख़त्म हो जाए ये देखें अब मैं इसके ऊपर नम लगाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर नम लगाएंगे ताकि चावल अच्छे से पक जाए चले जी पंद्रह से बीस मिनट बाद देखते हैं कि चावल हमारे कैसे बने हैं तो ये देखें बहुत ही अमेजिंग राइस बिल्कुल खिले खिले तैयार हैं मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे चिकन पुलाव की रेसिपी बिल्कुल तैयार है और आप देख सकती हैं कि कितने खिले खिले चावल बने हैं और बिल्कुल भी आपस में ना ही जुड़े हैं और ना ही चिपके हैं एकदम खिले खिले राइस बिल्कुल तैयार हैं रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अगर आपको आज के पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कर दें एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दें अपनी फ़ैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और प्लीज़ हमें इसका फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको हमारी आज की ये पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है मिलती हूँ आपके साथ एक और नई अमेजिंग ज़बरदस्त वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे भी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़